हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे ट्राई कलर चॉकलेट लॉलीपॉप। आइए सबसे पहले हम बटर बॉईल करेंगे और उसमें 2 डेरी मिल्क चॉकलेट्स बॉईल होने के लिए डाल देंगे। आफ्टर 2 or 3 मिनट्स हम चेक करेंगे कि हमारी चॉकलेट मेल्ट हुई या नहीं। तो 2 or 3 मिनट के बाद ये देखिए हमारी चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है। अब हम गैस स्टोव ऑफ कर देंगे और अपनी मेल्टेड चॉकलेट को नीचे की तरफ प्रेस करके इकट्ठी कर लेंगे और ऐसे पाउच कट करके हम अपनी चॉकलेट को बाउल में निकाल लेंगे। यहाँ पे हमारी क्रीमी चॉकलेट देखो निकल के रेडी हो गई है। ऐसे ही हम अपने दूसरे पाउच की भी चॉकलेट नीचे ऐसे इकट्ठी करके इसको पाउच को कट करके हम अपनी चॉकलेट निकाल लेंगे। और सच मानिए इतना यम्मी लॉलीपॉप बनेगा हमारा ट्राई कलर, हमारे बच्चे खुशी हो जाएंगे ये वाला लॉलीपॉप देख के। यहाँ पे मैं जेम्स निकाल रही हूँ क्योंकि मेरे को ऑरेंज, ग्रीन और वाइट कलर के जेम्स चाहिए, लेकिन वाइट कलर के जेम्स होते हैं तो उसके इंस्टीड में येलो कलर के जेम्स यूज़ करूँगी। यहाँ पे मैंने अपनी सारी जेम्स कलेक्ट कर ली हैं। इस तरह से मैं आइसक्रीम स्टिक को रख के अपनी बैंगल के ऊपर ऐसे रखूँगी और सारी चॉकलेट सॉस जो हमने बनाई थी उसको हम ऐसे स्प्रेड कर देंगे अपनी सर्कल शेप में। आपको जिस भी शेप का लॉलीपॉप बनाना हो आप उस शेप का कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए और आप किसी भी शेप का लॉलीपॉप बना सकते हो। इस तरीके से सारी चॉकलेट को स्प्रेड करके अच्छे से नीचे प्रेस डाउन करके उसको अच्छे से सर्कल में फिट कर दीजिए। आप यहाँ पे लॉलीपॉप को थोड़ा थिक और थिन भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। यहाँ पे मैंने अपना लॉलीपॉप रेडी कर लिया और इस तरह से मैं अब इसको अपने ट्रायंगल जैम से, अपने ट्राई कलर जैम से इसको डेकोरेट कर दूँगी। यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर्स लिए हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ ग्रीन कलर लगाऊंगी क्योंकि हम सबको पता है कि हमारा ट्राई कलर सेफ्रोन वाइट एंड ग्रीन होता है, तो इस तरीके से हम इसको डेकोरेट कर देंगे। अभी इंडिपेंडेंस डे पर हम इस तरह से अपना ट्राई कलर लॉलीपॉप अपने बच्चों को दे सकते हैं, बना सकते हैं। और इसके बाद आप इस लॉलीपॉप को जैसा मन करे वैसे आप डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अशोक चक्र की जगह ब्लू कलर का जैम लगा दिया है। आप इसको अपनी मनपसंद कैसे भी रेनबो कलर में या किसी भी कलर में, बच्चे के फेवरेट कलर में डेकोरेट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए हमारा चॉकलेट लॉलीपॉप बिल्कुल बन के रेडी है और ये सच में बहुत यम्मी है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत ही ज़्यादा देखने में भी खूबसूरत है। मेरे बच्चे तो देख के खुशी हो गए थे। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए क्योंकि ये बहुत ईजी एंड क्विक रेसिपी है, तो आप ट्राई कीजिए। और जो भी आपका एक्सपीरियंस रहे, आपके बच्चों को जैसा भी लगे, आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ़ यू इन एडवांस। थैंक यू।